जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, प्रश्नावली 1.3 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा के अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बिना किसी डर के एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है बेटा, तो आ जाओ चलो देखते हैं प्रश्नावली 1.4। बेटा इसमें दो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? दो। करना कितना है? दो। ठीक है, बस 5 से 7 मिनट लगे क्वेश्चन में। नहीं, एक चीज ध्यान, आ जाओ दोनों क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर 1.5 अगले वीडियो में। तो आ जाओ 1.4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है देखना बेटा, क्वेश्चन पहला क्या दिया है? तो क्वेश्चन पहला कह रहा है बाबू कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर संख्या 3.765 की स्थिति निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर बेटा, संख्या 3.765 को, संख्या रेखा पर बेटा इसको क्या करना है? दिखाना है। क्या करना है? इसको निर्धारित करना है। तो सबसे पहले आप लोग स्केल और पेंसिल लेके बैठ जाओ, साथ में कॉपी भी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे बेटा? एक लाइन खींचेंगे। यहां से देखो एक रेखा खींच दे रहे हैं लंबी सी, आप लोग भी खींच लेना, सीधा होना चाहिए। यहाँ पे हमसे टेढ़ा हो जाता है लेकिन होना सीधा चाहिए। ठीक है बेटा, इधर ये इधर। अब इस पे बाबू नंबरिंग दर्शा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अरे बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा, 7, 8, 9 और क्या हो रहा है बेटा, ये 10। ये बराबर होना चाहिए, घटा बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला। अब बाबू 3.765, 3.7 कहाँ आएगा? 3 और 4 के बीच में। तो बेटा 3 और 4 यही है, इसको क्या करना, जूम कर लेना। जैसे फोन होता है ना बेटा, कोई बहुत दूर से दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा था, उसको जूम कर देते हैं। जब जूम करते हैं तो बड़ा बड़ा दिखने लगता है। ट्राई करना क्या, जूम करना। ठीक है, तो बेटा जब इसको जूम करेंगे तो क्या होगा देखना, एक चीज ध्यान से, यहां से क्या होगा बेटा, एक दूसरी रेखा हमें खींचना पड़ेगा। अगली रेखा खींचेंगे बाबू, यहां से इसको जूम करेंगे, ये 3 है, यहाँ पे कितने बेटा, 4। तो 3 और 4 के बीच में कौन कौन सा आएगा बेटा, देखना ध्यान से, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 ये आएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद तो हो जाएगा 4। तो बाबू जब इसको हम जूम किए, ऐसे इसको जूम कर दिए तो इस रूप में आ गया। अब बाबू 3.7 किसके बीच में आएगा, देखो 3.76, तो बेटा आपके बाद भी 2.78 के बीच में आएगा। ठीक है बेटा, 3.76। तो क्या करो, इसको जब जूम करोगे बेटा तो क्या होगा, एक लाइन और खींच लेना। जब एक लाइन और खींचोगे ऐसे तो यहाँ पे कितना 3.7 है बेटा और यहाँ पे हो जाएगा 3.8। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे बाबू, 3.71, 3.72, 3.73, ये बेटा कॉमा लगा दे रहे हैं, समझ में आएगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 3.74 और 3.75, 3.76, 3.77 हो जाएगा बेटा, 3.78, 3.79। ठीक है बाबू, कर लिए इतना। अब 3.76 कहां पे आएगा बेटा, देखो 3.76 यहां पे है, इन दोनों को जूम कर लो। ठीक है बेटा, इसको जूम किए, इस प्रकार हो गया। ठीक है, इसको जूम कर लो, इसको जब जूम करोगे बेटा तो कुछ इस प्रकार होगा। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 3.76 है और यहाँ पे कितना है बेटा, 3.77 है। तो लिखो बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 3.761, 3.762, 3, कामा लगा दे रहे हैं बेटा, 763, 3.764, 3.765 और 3.766, यहाँ पे हो जाएगा 3.767, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3.768,
यहाँ पे हो जाएगा 3.769। ठीक है बेटा, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू दिखाना 3.765, तो कहीं पे दिख रहा है 3.76। एक मिनट बेटा, चार कैसे हो गया, 7.65 होगा, 3.765 यही हो जाएगा बेटा। इसको हम लोग क्या किए थे, यहां से जूम किए थे और ए हो जाएगा बेटा ये संख्या रेखा पर 3.765, ए हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ऐसे करना है, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी करना है, आप लोग इसको पहले नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, तो नोट भी कर चुके होंगे आप लोग, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, कौन सा, दूसरा, इसको मिटाए मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़ो। संख्या रेखा पर बेटा इसी प्रकार दर्शाया जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि कहां गया बेटा, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार, 4.26 पे बार, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 4.26 और 2.6, 4 अंक तक बेटा, तो 2.6 2.6 इसलिए लिख दिए, ठीक है। तो चार, अब बाबू इस पे संख्या रेखा पर दर्शाना, तो एक रेखा खींचेंगे पहले यहाँ पे और देखेंगे बेटा यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 सॉरी यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, ठीक है बाबू। अब इसको जूम करना, 4.2 कहाँ पे आएगा, 4 और 5 के बीच आएगा, ठीक है बेटा, इसको ले लेंगे। तो एक अगली लाइन खींचते हैं बेटा, एक अगली लाइन खींच लो और आएगा बेटा 4 और पे आ जाएगा लाल 5, तो क्या होगा यहाँ पे 4.1, यहाँ पे होगा 0.2, यहाँ पे 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और बेटा यहाँ पे हो जाएगा तुरंत 5। फिर अगली लाइन बेटा इसको हम लोग जूम किए, जूम करने पे ऐसे आया था, फिर इसको जूम कर लो, कहाँ है बेटा 4.2, तो 4.2 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 4.2 और 3 के बीच आएगा। तो चलो एक अगली रेखा खींचते हैं बेटा, यहाँ पे आएगा 4.2, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4.3, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे हो जाएगा 4.11, नहीं 2 है ना बेटा, 2 से लियो, 4.21, 4.22, यहाँ पे हो जाएगा 4.23, यहाँ पे हो जाएगा 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, यहाँ पे हो जाएगा 4.29 और बेटा यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4.3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4.26 कहाँ पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे। तो एक क्या करेंगे हम, इसको जूम करेंगे, इसको जूम किए थे बेटा, अब इसको जूम करेंगे, तो इसको जूम करेंगे तो एक लाइन और खींचना पड़ेगा, ठीक है। दशमलव के बाद बेटा जितने अंक होंगे, 4 है तो 5 लाइन जाएगा, 1 2 3 4 हो गया, एक लाइन इसके बाद भी खींचना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे 4.26 है, यहाँ पे है बेटा 4.27 है, यही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4.261, ठीक है बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 4.262, यहाँ पे होगा 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, यहाँ पे होगा बेटा 4.268, यहाँ पे 4.269 हो जाएगा। अब 4.26 कहाँ रहा, यहाँ पे, इसको हम लेंगे बेटा, और किसको जूम किए थे हम लोग, इसको जूम किए थे, ठीक। अब इसको कर लेना मेरे लाल, इसको जूम कर लोगे एक लाइन और खींच लो, ठीक है। लाइन जब खींचोगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना क्योंकि घट सकता है। तो 4.2 कितना बेटा, 2.62 है और यहाँ पे कितना है, 4.263 है, सबको लिख लो बेटा, यहाँ पे आएगा 4.2621, ठीक है बेटा, यहाँ पे आएगा 4.2 कामा लगाते हुए चलना, 4.2622, यहाँ पे आएगा 4.2623, यहाँ पे आएगा बेटा 4.2624, यहाँ पे आएगा 4.2625, यहाँ पे आएगा बेटा कितना, 4.2626, यहाँ पे आएगा बेटा 4.2627, यहाँ पे आ जाएगा मेरे लाल 4.2628, यहाँ पे आ जाएगा 4.2629,
2, 9, उसके बाद 4.263 हो जाता है बेटा। तो क्या दिखाना, 4.2626 कहां पे बेटा, 4.2626 यही था बेटा, ये हमको दिखाना था, यही हो गया आंसर। इसी के साथ प्रश्नावली नंबर कितना 1.4 खत्म। अब क्या पढ़ेंगे बेटा अगले वीडियो में 1.5। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।